आईपीएल कर्मचारियों ने निवेशकों का पैसा जल्द भुगतान करवाने के संबंध में डीएम को सौंपा ज्ञापन। फतेहपुर जनपद में आज कलेक्टोरेट में ऑल इन्वेस्टर सेफ्टी ऑर्गेनाइजेशन के निवेशकों द्वारा गठित राष्ट्रीय पंजीकृत संगठन है, जिनके द्वारा अपनी जमा पूंजी वापस पाने के लिए लगातार संघर्ष कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के उपरांत अपेक्षाकृत निवेशकों को भुगतान नहीं मिलने एवं कमेटी द्वारा जारी निर्देशों के चलते निवेशकों के लिए बहुत बड़ी समस्या पैदा हो गई है, जिनके समाधान के लिए संगठन ये BACL पीड़ित निवेशकों की समस्याओं को लेकर के ज्ञापन दिया जा रहा है। ये क्या मांगे हैं आपकी? मांग ये है कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बावजूद भी 7 साल गुजर रहे हैं और ग्राहकों को पैसा वापस नहीं मिल रहा है। क्या नाम है आपका? कामताप साथ जिला अध्यक्ष। BACL का भुगतान 7 वर्षों से नहीं हो रहा है, जब कंपनी की संपत्ति सरकार द्वारा जब्त कर ली गई है और सेबी टाल मटोल बराबर जो है कर रही है। लोढ़ा समिति का भी आदेश हो गया है कि जल्द से जल्द ग्राहकों का निवेशकों का भुगतान कर दिया जाए। निवेशक आए दिन फील्ड वर्करों को परेशान करते हैं, छीना झपटी करते हैं, जो भैंस है, गाय है, जानवर, खेती बाड़ी, गाड़ी है, ये ग्राहक लोग छीन रहे हैं निवेश वर्करों से, फील्ड वर्करों से बहुत परेशान हैं। और कंपनी की जितनी संपत्ति है सरकार के कब्जे में है, यदि जल्दी से जल्दी भुगतान कर दिया जाए तो सबको राहत मिले। इसी बात के लिए हम लोग फील्ड में उतर करके संघर्ष कर रहे हैं। यदि भुगतान नहीं होता तो ये लड़ाई आगे तक लड़ी जाएगी, प्रदेश लेवल में भी हम लोग जा रहे हैं और बराबर संघर्ष करेंगे, क्योंकि निवेशकों का धन यहाँ पर सुरक्षित है लेकिन मिल नहीं रहा। क्या नाम है आपका? रामशंकर सप्तम मेरा नाम है। क्या फील्ड वर्कर हैं हम लोग।